हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल वे टू टेक नॉलेज। तो गाइस, आज हम बात करने वाले हैं जावास्क्रिप्ट में स्टेटमेंट के बारे में। अ कंप्यूटर प्रोग्राम इज अ लिस्ट ऑफ इंस्ट्रक्शन टू बी एग्जीक्यूटेड बाय अ कंप्यूटर एंड इन अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज दिस प्रोग्रामिंग इंस्ट्रक्शन आर कॉल्ड स्टेटमेंट। जावास्क्रिप्ट प्रोग्राम इज अ लिस्ट ऑफ प्रोग्रामिंग स्टेटमेंट। तो जो जावास्क्रिप्ट है टोटली इंस्ट्रक्शन बेस के ऊपर है कि हमें अगर यहाँ से कोई इंस्ट्रक्शन मिल रहा है तो हमें उसको फॉलो करना है। दिस इज कॉल्ड स्टेटमेंट। ओके, इन जावास्क्रिप्ट प्रोग्राम आर एग्जीक्यूट बाय द ब्राउजर, वेब ब्राउजर। अगर हम जावास्क्रिप्ट में कोई भी प्रोग्राम कर रहे हैं तो हमें उसको वेब ब्राउजर में उसको रन करना है। ठीक है, अब जो स्टेटमेंट है जावास्क्रिप्ट की वो वैल्यू, ऑपरेटर, एक्सप्रेशन, कीवर्ड एंड कमेंट्स के ऊपर डिपेंड है। ठीक है, जावास्क्रिप्ट स्टेटमेंट आर कंपोज ऑफ वैल्यू, ऑपरेटर, एक्सप्रेशन, कीवर्ड एंड कमेंट। ओके, तो सबसे पहले हम देखेंगे कि कोई एक हमारे पास स्टेटमेंट है, लाइक हमारे पास कोई अलग अलग वेरिएबल भी हो सकते हैं या फिर कोई स्ट्रिंग वेरिएबल भी हो सकता है। जैसे कि कोई स्टेटमेंट हो गया, उसको हमें पास करके उसे चेंज करना है, वो भी स्टेटमेंट ही हो गया। ठीक है, जहाँ पे कोई ना कोई वैल्यू को स्टोर करें, कोई ना कोई चीज़ जो हमें याद रखनी होती है या फिर उसको चेंज करना है वैल्यू को, तब हम बेसिकली जावास्क्रिप्ट का यूज़ करते हैं। क्योंकि जावास्क्रिप्ट ज़्यादातर एनिमेशन के लिए यूज़ होता है, डिजाइनिंग के लिए यूज़ होता है और बैकिंग के लिए भी ज़्यादातर यूज़ होता है। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पे एक वेरिएबल लेंगे और उसके बाद उनको एग्जीक्यूट करना है। वन बाय वन हम यहाँ पे स्टार्ट करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पे HTML का फॉर्मेट लिख देंगे। उसके बाद हमें यह करना है, यहाँ पे कोई भी एक H2 के अंदर हम बॉडी टैग में लिख देते हैं H2, उसके अंदर लिख देते हैं हम जावास्क्रिप्ट स्टेटमेंट। ओके, फिर इसको हम रन करके देख लेते हैं। उसके बाद बहुत सारे इंस्ट्रक्शन हमारे पास आएगी, उनको हम वन बाय वन फॉलो करेंगे। ठीक है, ये हो गया। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे P टैग के अंदर एक स्टेटमेंट लिख देते हैं, लाइक अ जावास्क्रिप्ट प्रोग्राम। क्या करते हैं ना, ये जो बीट है हम अलग अलग टैग का यूज करते हैं ताकि आपको इजीली अंडरस्टैंड हो जाए। जावास्क्रिप्ट प्रोग्राम, उसके बाद ये बी टेक के बाहर हम लिखेंगे इज अ लिस्ट ऑफ स्टेटमेंट को फिर से, अगर बी टेक के अंदर लिखना है तो आप फिर से लिख सकते हो लिस्ट ऑफ स्टेटमेंट। आई होप आपको HTML के बारे में नॉलेज होगा तभी आप ये सब कर सकते हो। अगर आपको नहीं आता है तो पहले आप मेरा प्लेलिस्ट देखिए, उसमें HTML का आपको ट्यूटोरियल मिल जाएगा। उसको पहले सीख के उसके बाद आप जावास्क्रिप्ट में मूव ऑन हो सकते हैं। ठीक है, और अगर आप डायरेक्ट रीडिंग करके भी करना चाहते हो तो W3 स्कूल है और HTML के लिए बहुत सारी आपको ऑनलाइन मिल जाएगी मटेरियल जहाँ से आप रीडिंग कर सकते हो और ये बहुत ही ज़्यादा ईजी है। ठीक है, एग्जीक्यूट बाय अ कंप्यूटर। ओके, सेकेंड ये हमारा पी टेक कम्प्लीट हो गया। अगर हम यहाँ पे फिर से टैग लेंगे और उस पी टेक में क्या करेंगे, हम कुछ नहीं लिखना है, हमें क्या करना है, यहाँ पे हम उसको आईडी प्रोवाइड करेंगे, लाइक डेमो नाम का एक आईडी हमने प्रोवाइड किया। चलिए, ये सारी चीज तो अभी HTML का ही है। ठीक है, मेन जो हमारा कॉन्सेप्ट है वो हमें जावास्क्रिप्ट के अंदर लिखना है। लाइक मुझे क्या करना है, कोई भी एक वेरिएबल है उनको हमें सम कराना है, मल्टीप्लिकेशन कराना है, डिवीजन कराना है, तो भी हम करा सकते हैं। इससे हमें कोई उसका मतलब नहीं है, कुछ भी हम यहाँ पे लिख सकते हैं। ये सिर्फ हमने देखा कि इसके अंदर HTML का कैसे यूज कर सकते हैं। अब मेन प्रॉब्लम यहाँ पे है कि हमें यहाँ पे स्क्रिप्ट लिखना है। हम स्क्रिप्ट में क्या लिखेंगे, तो एक वेरिएबल लेंगे सबसे पहले, लेट जो कि कीवर्ड है, लेट XYZ ये वेरिएबल है तीनों के तीनों, और उनको हम यहाँ पे वैल्यू भी प्रोवाइड करेंगे। अगर हमें डायरेक्ट करना है तो डायरेक्ट भी हम कर सकते हैं। ठीक है, हम यहाँ पे क्या करेंगे, एक्स को वैल्यू देंगे 5। ये हमने पहले क्या किया, डिक्लेरेशन किया है, वैल्यू की डिक्लेरेशन किया है। ठीक है, और सेकंड जो है हम उसको वैल्यू दे रहे हैं, दैट मीन्स हम उसे इनिशियलाइज कर रहे हैं वैल्यू को, इक्वल टू 6 ये दे दिया। और जेड के अंदर हम इन दोनों का प्लस करा लेंगे। ठीक है, ये हमारा स्टेटमेंट हो गया। अब हमें क्या करना है, यहाँ पे देखिए ये हमारा स्टेटमेंट रेडी हो गया। अब हमें इन्हें प्रिंट कराना है।
अब हमें क्या करना है, इन तीनों जो भी हमारा आउटपुट आने वाला है लाइक x प्लस y, ये x की वैल्यू है 5 और y की वैल्यू है 6 obviously, तो हमने क्या किया है z equal to x plus y, तो हमें आउटपुट में मिलना चाहिए यहाँ पे 11 आउटपुट में हमें मिलना चाहिए, ठीक है। अब हम क्या करेंगे इसको, document dot get element by id, id के थ्रू हमें ये जो p टैग है ना वहां पे लिखना है, ये जो p टैग है हमें जहाँ पे डेमो दिया है, डेमो नाम का एक आईडी पास किया है वहीं पे हमें लिखना है। हम क्या करेंगे डॉट इनर html, इनर html इक्वल टू क्या करना है हमें एक स्ट्रिंग पास करेंगे, हम यहाँ पे लिखेंगे द वैल्यू ऑफ z इज, उसके बाद हमें क्या करना है यहाँ पे डबल कोटेशन के बाहर प्लस लगा के z, z जो हमारा वेरिएबल था जिसके अंदर हमने वैल्यू को पास किया है, और हमें यहाँ पे डॉट की जरूरत पड़ने वाली है, तो इस तरीके से हमें यहाँ पे उसका आउटपुट लिख दे रहा है, ठीक है। अब हम इसको सेव करते हैं और रन करके देखते हैं इनको, ये देखिए ये हमारे पास मिल गया है, ये देखिए द वैल्यू ऑफ z इज 11। अगर हमें कोई स्पेस लेना है तो हमको क्या करना है, ये स्ट्रिंग के अंदर ही हम स्पेस दे सकते हैं, डबल कोटेशन के अंदर जो भी आप लिख रहे हो सारे के सारे काउंट होते हैं, जैसा भी आप लिखोगे वैसा का वैसा यहाँ पर प्रिंट होके आ जाएगा। तो ये एक सिंपल सा था कि स्टेटमेंट को कैसे पास करना है, ठीक है। ये तो बात हुई खाली कोई भी नंबर उनको पास करने के लिए, अगर हमें यहाँ पर डायरेक्ट कोई स्ट्रिंग पास करनी है तो भी हम यहाँ पर पास कर सकते हैं, ठीक है। ये देखिए द वैल्यू ऑफ z इज, ये हमने लिखा है वहां पे हमने 11 पास किया। अब बट मुझे क्या करना है ना यहाँ पे कोई कुछ नहीं, बस ये खाली स्ट्रिंग पास करनी है, तो क्या करूंगी डबल कोटेशन के अंदर हेलो हेलो वर्ल्ड, बस ये लिख दिया हमने, देखिए हेलो वर्ल्ड भी पास हो गया। बट मुझे क्या करना है ना, ये जो हेलो वर्ड है उसको मुझे इस टाइप का लाना है, मतलब h1 टैग के अंदर लिखना है। तो हम क्या कर सकते हैं h1 टैग को, यहाँ पे h1 टैग ये हमें स्ट्रिंग के अंदर ही पास करना पड़ेगा, देखिए h1 टैग पास कर दिया, इससे हमें कोई मतलब नहीं है, हमें ये हमें प्रिंट करके भी नहीं देने वाला है, मुझे क्या करना है यहाँ पे हेलो वर्ड प्रिंट करना है, तो हम इस तरीके से भी करा सकते हैं, देखिए हेलो वर्ड प्रिंट होके आ गया। तो ये सारे क्या है, इंस्ट्रक्शन है, स्टेटमेंट है जो हमें वो फॉलो करने के लिए बोल रहा है, उस तरीके से हम यहाँ पे फॉलो कर सकते हैं। यहाँ पे हमें प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन डिवीजन जो भी करना है वो आप इसी तरीके से कर सकते हैं, ठीक है। और आप जितना चाहे उतनी बार आप इसको प्रिंट भी करा सकते हैं, कोई आपको यहाँ पे रोकने वाला नहीं है, ठीक है। तो ये सारी चीज थी स्टेटमेंट में, और भी बहुत सारी चीजें आएंगी लाइक वेरिएबल आएगा वहाँ पे, डेटा टाइप्स आएंगे, फंक्शन, ऑब्जेक्ट, ये सारे के सारे जब आप सीख लोगे तो आपको स्टेटमेंट के बारे में इजीली पता चल जाएगा। तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा कि स्टेटमेंट कहते किसे, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट ट्यूटोरियल में, थैंक्स फॉर वॉचिंग।